बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे सांप और नेवले की कहानी। किसी जंगल में एक सांप रहता था। वो मेंढक, चूहे और चिड़ियों को खा जाता था। जंगल के इन छोटे छोटे जानवरों ने जंगल के इस हिस्से को खाली करना शुरू कर दिया, मगर जालिम सांप ने फिर भी इनका पीछा ना छोड़ा। वो दूर दूर तक खुराक की तलाश में जाता और इन छोटे छोटे जानवरों को अपनी खुराक का हिस्सा बना लेता। आखिर ये सब जानवर मिलकर नेवले के पास गए और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर मदद के लिए कहा। नेवला फौरन इनकी मदद के लिए तैयार हो गया। सब जानवर नेवले के साथ सांप के बिल की तरफ रवाना हो गए। जब वो बिल के करीब पहुंच गए तो नेवले ने सब जानवरों से कहा कि वो अपनी अपनी आवाजें निकाले। चिनाचा चिड़िया चू चू करने लगी, मेंढक टरटराने लगे और चूहे इधर उधर खुदकने लगे। सांप इस हलचल को सुनकर रिंगता हुआ बाहर निकल आया, मगर खतरा महसूस करते ही दोबारा बिल में घुस गया। चालाक नेवला भी इसकी चाल को समझ गया। इसने जानवरों को हिलने जुलने और आवाजें निकालने से मना कर दिया। सांप भूख से निढाल होकर जैसे ही अपने बिल से बाहर निकला तो नेवले ने इस पर हमला कर दिया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। आखिर नेवले ने सांप को मार दिया। सब जानवरों ने नेवले का शुक्रिया अदा किया और दिल खोलकर खुशियां मनाई। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।